साधा कोचिंग में, और यदि आप नवोदय विद्यालय से संबंधित आप तैयारी करना चाहते हैं और हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 जुलाई से लाइव क्लास चालू है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में दिए हुए बेल आइकन को आप दबा सकते हैं, जिससे हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले सबसे पहले। तो आज आपका टॉपिक है, क्योंकि हमने सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर हम नवोदय में क्या अपना बैट ले जा सकते हैं या वहां मिलेगा। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वही है कि क्या नवोदय में क्या क्या खेलने को हमें मिलता है और क्या क्या हम अपने पास से ले जाएं और क्या क्या हम नहीं ले जाएं, मतलब खेल से संबंधित। इससे पहले मैंने वीडियो दिया है कि नवोदय में क्या क्या आपको सामान लेके जाना है 6th क्लास में, उसके लिए आप हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए। तो देखिए, नवोदय विद्यालय अपने आप में एक यूनिक विद्यालय होते हैं और उसमें आप सुबह से लेके आपको रात तक आपको वही रहना है, आपको वही खाना है, वही खेलना है, वही आपको आपको पढ़ना है। ठीक है, एक स्टूडेंट्स ने कल मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने खाने के ऊपर बनाई थी, तो उन्होंने कमेंट करा था कि शिक्षा वहां पे जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी क्या है, आप उस पर वीडियो बनाइए, हम खाने नहीं जा रहे हैं, हम वहां पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत ही क्लियर कट आपको बता दूं, आप पढ़ भी तभी पाएंगे जब आप अच्छा खा पाएंगे। ठीक है ना, आप माना आप पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ोगे वहां, पढ़ने के सिवा आपको कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या खाने को मिलेगा। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, आपका जो प्रॉपर आपका जो खाना है वही आपको जिताएगा। ठीक है ना, आपके अंदर क्या है, आपको अंदर एनर्जी भी तो आपको चाहिए, आप वहां, ठीक है ना। तो उस सब टॉपिक हमारा नहीं है, फिलहाल आइए गेम्स के टॉपिक पर। तो आपको जो वहां पे हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं, आप वहां पे आपका एक फिजिकल एजुकेशन रूम होता है, उसमें आपके आपके बैट बॉल रैकेट, आपके बास्केटबॉल हैंडबॉल और वॉलीबॉल, ठीक है ना, हॉकी और आपके जितने गेम है ना सब नवोदय में आपको भी मिल जाएंगे, टेबल टेनिस, ठीक है ना, बहुत से नवोदय में टेनिस भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो वहां का प्रोसेस क्या है इसको किसी बच्चे को मिलने का वो मैं आपको बताता हूँ। दो प्रोसेस होता है, दोनों को मैं आपको बता रहा हूं। एक प्रोसेस में क्या होता है कि नवोदय विद्यालय के जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं, जैसे ही आप दोपहर की क्लास करके शाम को 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे आप अपने हॉस्टल को आते हो, हॉस्टल में आने में क्या है, वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर या फिर वो जो आपका स्पोर्ट्स कैप्टन है जो पूरे स्कूल का, वो वहां पर आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड में आपको बैठा मिलेगा, वहां अब वो उसको आपको बैट बॉल के साथ वॉलीबॉल के साथ जितनी भी बॉल है वो सब अपने आसपास रखे हुए होगा, और बच्चे आएंगे और एक क्लास का जो कैप्टन होता है, हाउस का जो कैप्टन होता है, वो उसको ले जाके सब बच्चों को खिलवा देता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि वहां से नवोदय से आपको उसको इश्यू कराना पड़ता है, एक फिजिकल एजुकेशन में एक जो रूम होता है उसमें एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में आपको अपना नाम, आप क्या चीज ले रहे हैं, जैसे आपको बैट चाहिए तो आपने वो बैट अपने नाम पर निकलवा लिया है, अब उस बैट की जिम्मेदारी आपकी है, आप कितने दिन खेलोगे, आपको वो वापस बेशक चाहे टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो टूटा हुआ भी जमा करना होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है आपने इशू कराया और आपने वो भूल गए फिर बैट खो गया, उसका जुर्माना आपको देना पड़ेगा, आप हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए यदि आप अपने नाम पर कोई भी चीज निकलवा रहे हैं तो आपको जमा उसी को करना है नवोदय में, क्योंकि लास्ट में अभी नहीं दिक्कत आएगी, लास्ट में जब 12th क्लास में आप वहां से निकलते हैं तब नोड्यूस कराना पड़ता है, तब आपको दिक्कत आती है, आपको 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं। अब दूसरा क्या है कि भाई आप क्या है, इस समस्या से बचने के लिए आप क्या अपने घर से बैट लेके आते हैं। ठीक है ना, एक घर से एक बैट लेके आते हैं, एक बॉल लेके आते हैं, आप अपने बैट बॉल से खेल सकते हैं, ले जा सकते हैं आप अपने। ठीक है ना, आप उसको अपने स्कूल में ले जाकर अपने पास रख लीजिए, और बाकी का जो और गेम है, आपको रैकेट निकलवाना है वो आप नवोदय से निकलवा सकते हैं, एकदम बढ़िया क्वालिटी के रैकेट रहते हैं, योनेक्स वोनेक्स जितने भी बड़ी कंपनियां हैं BDM, उनके ये बल्ले सभी जो वहां पे जितना भी आइटम आता है सब क्वालिटी का आता है, आप उसको वहां से इश्यू करा कर आप खेल सकते हैं। ठीक है ना, आपका खेलने का वहां एक समय है, आप वहां 5 से 6 या 6:30 डेढ़ या 2 घंटे आप खेल सकते हैं। ठीक है ना, खेलने के लिए आप जो भी चाह रहे हैं वो आप खेल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप 6th क्लास में हो तो अभी आपको वहां थोड़ी जगह बनाने में टाइम लगेगा, मतलब जो आपके पहले जो आपके सीनियर बच्चे हैं जो आपसे बड़ी क्लास में हैं वो आपको खेलते हुए वहां नजर आएंगे, अभी 1 साल आपको उनको वॉच ही करना है, केवल उनको देखना है वो कैसे खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, यदि आपके हाउस में, क्योंकि एक
हॉस्टल में सिक्स सेवन्थ एट तक के बच्चे रहते हैं, तो आप अपने सिक्स सेवन्थ एट के बच्चे से आप अपना तालमेल सही रख सकते हैं, तो वो आपको खेलने के लिए भी जगह बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। आप पीटी टीचर से इस बात के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझको खेलना है, क्योंकि आप सिक्स क्लास में हो तो वो आपको सबसे पहले देंगे, आपको जो भी चाहिए वो आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। और बाकी खेलना वहां पर मतलब कि वही है, अपना खेलो कूदो और पढ़ो, ठीक है। पढ़ना है मैन आपको, क्योंकि देखो सभी चीज एक साथ चलेंगे। हम यदि ये सोचें कि भाई हमको तो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप ये खेलने वाली वीडियो क्यों बना रहे हो। देखो खेल कूद और खाना, खेल पढ़ाई और खाना तीनों एक साथ चलेगा। यदि आप फिजिकली पूरी तरह फिट हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं, आप किसी भी गोल को पा सकते हैं। अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना, बेल आइकन जो होता है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर करें। थैंक यू।